Hello, little Florians. How are you all? Very nice. So, students, let me welcome you in this video. Today, we are going to learn a new topic inside my body. So, let's have a look. But before starting, let us discuss what we have already learned about our body. Yes, our body performs different functions for us, like our eyes. Our eyes help us to see. Our nose. Our nose help us to smell. Legs. Our legs help us to walk, run, and jump also. Our little fingers, yes, they help us to write. But student, have you earlier observed? These body parts are located outside to our body. And yes, we can see them with our eyes. And they are known as external organs, external body parts. ऐसे ही कुछ बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं. दीज बॉडी पार्ट्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड दे आर नोन एज इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स. जनरली वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज इनटू आवर बॉडी, लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट and stomach. They all are internal body parts. So it is our first internal organ. They are lungs. They are known as lungs. And students, as you can see, they are in pairs. Yes. And students, do you know the air we breathe goes into our lungs? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है. एंड आपको तो पता ही है, जो भी हम बाहर से एयर ब्रीथ करते हैं वो कभी कभी क्लीन भी होती है तो कभी कभी डर्टी भी होती है, पोल्यूटेड एयर भी होती है. और हमारे लंग्स उस पोल्यूटेड एयर को, उस डर्टी एयर को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं. एंड अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, दीज आर लंग्स. Next internal organ is brain. And students, do you know our brain looks like a complex maze? दिखने में हमारा brain कितना complex लगता है, ऐसे ही ये complex difficult work भी हमारे लिए perform करता है. जैसे ये हमें सोचने में मदद करता है, हमारी अंदर ideas, हमारी thinking. और हम study भी तो brain की help से कर पाते हैं. जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो सब कहाँ स्टोर करते हैं, हम हमारी ब्रेन में. मैम आपसे न्यू न्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप कहाँ से सोच के बताते हो? अपने ब्रेन से सोच के बताते हो. यस, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दिस इज स्टमक. यस, इट इज नोन एज स्टमक. स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम फूड खाते हैं वो फूड कहाँ पे एंटर करता है? यस, वेरी नाइस, वो हमारे स्टमक में एंटर करता है. एंड डू यू नो व्हाई डज इट एंटर इनटू आवर स्टमक ओनली? यस, बिकॉज स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द यम्मी एंड टेस्टी फूड. यस, एंड इन दिस वे We got energy. और इस तरीके से हमें एनर्जी भी मिलती है. तो जो भी हम फूड खाते हैं पहले तो वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है और फिर हमारा स्टमक उसे डाइजेस्ट करता है और इस प्रोसेस में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है.
everybody, this is our next internal organ. It is known as heart. इसे हम heart कहते हैं. And the heart pumps blood to all the parts of our body. Heart हमारी body को blood pump करता है. Means हमारी body में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. वो किसकी हेल्प से होता है, कौन करता है ये काम हमारे लिए? ये हम काम हार्ट करता है. ओके, सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दे आर किडनीज. ये किडनीज है. एंड स्टूडेंट्स, क्या आप गेस कर सकते हो किडनीज की शेप हमें किसकी तरह दिख रही है? वेरी नाइस, दे आर शेप्ड लाइक बीन्स. ये तो हमें राजमा की तरह दिख रही है. एंड स्टूडेंट्स, किडनी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. दे हेल्प अस टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट. हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है, उसे बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है और साथ में हमें हेल्दी बनाती है. किडनी कीप अस हेल्दी. किडनी हमें हेल्दी रखती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज टेस्टिंग टाइम. अब हम देखेंगे कि आपने अब तक क्या सीखा. लेट्स हैव अ लुक. आइडेंटिफाई Who are they? अब आपको गेस करना है ये कौन है. One by one we will move them and you have to guess about their name. आपको इनकी नेम बतानी है. Okay, this first one. Yes, identify this. Very good. It is our heart. ये हमारा heart है. Okay, good job. This one. Very nice. Good. It is our brain. ये हमारा brain है. And they. Good job. They are lungs. And this one. Very nice. It is stomach. ये stomach है. And they. Shaped like rajmas. Very nice. They are kidneys. ये kidneys है. Very nice. Good performance, everyone. Very nice. Thank you, kids. Have a nice day and enjoy your day. Bye-bye.